Let's learn the Hindu Arabic number system. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the Hindu Arabic system. Good morning, dear students. Today we people are going to start with the Roman numerals. Now, bachche, you should be clear that these Roman numerals came from the Roman Empire. Romans invented that. And it is based on the letters of English alphabets. हम लोग जो अपने हिंदू अरेबिक में देखते हैं वहाँ पर तो हम नॉर्मल न्यूमेरल्स देखते हैं, न्यूमेरल्स लाइक 1, 2, 3, 4. लेकिन जब हम रोमन न्यूमेरल्स करेंगे तब ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में लिखते हैं, विच आर कम्बाइंड टू सिग्निफाई देयर वैल्यूज़. और इन इंग्लिश लेटर्स को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करते हैं, तो वी गेट सम पर्टिकुलर वैल्यू. Now, dear students, let's see the Roman numerals, the basics. First, you need to learn the basic building blocks of Roman numeral system. We use the 7 letters that represent the numerical value. I means 1. V means 5. X means 10. L means 50. C means 100. D means 500. M means 1000. So let's learn these letters. I, V, X, L, C, D and M. These are the English alphabets that are used to express the Roman numbers. हम इन English के alphabets को use करते हैं किस के लिए? अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए. इफ वी हैव टू राइट 1 to 10, हमारे को क्या यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पर हमारे को 3 अल्फाबेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, आई, वी एंड एक्स. लेट्स सी, अगर आपने 1 लिखना है तो दैट इज़ आई, 2 लिखना है तो 2 आई, 3 लिखना है तो 3 आई. अब बच्चे, एक जो नंबर है, जो अल्फ़ाबेट है, वो 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है. जब हमारे को 4 लिखना है इट बिकम्स 1V. 5 लिखना है इट बिकम्स V. 6 लिखना है V एंड I. 7 लिखना है V एंड 2I. 8 लिखना है V एंड 3I. अगेन, अब 3I हो गए ना. दिस मीन्स अब हम इसके बाद आई को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते. 9 लिखना है तो 1X. 10 लिखना है तो इट इज़ X. सो दिस वे वी हैव टू राइट द न्यूमेरल्स. वंस अगेन लेट्स रिवाइज. आई इज़ फॉर 1, वी इज़ फॉर 5, एक्स इज़ फॉर 10, एल इज़ फॉर 50, सी इज़ फॉर 100, डी इज़ फॉर 500, M is for 1000. Dear students, let's revise the numerals 11 to 20. अब 11 to 20 के लिए भी हमारे पास यही 3 numerals काम आएंगे, X, I and V. Let's see. अगर हमने 11 लिखना है तो it is X and 1, 10 plus 1. अगर हम लोगों ने 12 लिखना है, 10 plus 2, तो 10 के लिए x और 2 के लिए 2i. 13 लिखना है तो इट इज़ 10 के लिए x और 3 के लिए 3i's. 14 लिखना है तो x फॉर 10 एंड 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1v. 15 लिखना है, पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओ, 10 प्लस 5. सो 10 इज़ x एंड v इज़ 5. अगर 16 लिखना है, अगेन मेक एन एक्सपेंडेड फॉर्म, इट इज़ 10 प्लस 6, तो 10 के लिए x और 6 के लिए v1. 17 लिखना है, अगेन रिमेंबर एक्सपेंडेड फॉर्म, x इज़ फॉर 10, vii इज़ फॉर 7. अगेन अगर 18 लिखना है तो 10 प्लस 8, x इज़ फॉर 10 एंड 8 के लिए v एंड 3 बार आई लिखना पड़ेगा. 19 लिखना है तो इट इज़ x
10 प्लस 9 19, तो x फॉर 10 1x फॉर 9, और 20 लिखना है तो 10 प्लस 10 इज 20, इसीलिए x प्लस x। आई होप आपको न्यूमेरल्स 11 टू 20 भी लिखना आ गया होगा। स्टूडेंट्स, देर आर मेनी रूल्स फॉर द न्यूमेरल नंबर्स, रोमन न्यूमेरल्स, दैट वी विल डू टुमारो। Now, dear students, let's start to learn how to write Roman numerals 1 to 10. Just see to it, जब आप लोगों ने 1 लिखना है, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, ये हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं, और जो इस साइड ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, दीज आर द रोमन नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, वेन वी राइट 1, 1 स्टैंड्स फॉर आई, 2, 2i, 3, 3i, स्टूडेंट्स यू शुड रिमेंबर वन थिंग कि आप एक नंबर को अल्फ़ाबेट को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स वी कैन रिपीट? 3 टाइम्स। नाउ बच्चे जस्ट सी टू इट, 4 लिखना है तो आई एंड वी, 5 लिखना है तो इट इज़ वी, 6 लिखना है तो इट इज़ वी 1, 7 लिखना है तो इट इज़ वी 1 1, 8 लिखना है तो इट इज़ वी आई आई आई। नाउ सी टू इट, आई को अब हमने 3 टाइम्स रिपीट कर दिया, अब हम इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। अब 9 लिखना है तो इट इज़ आई एंड एक्स, अगर हमने 10 लिखना है तो इट इज़ एक्स। सो बच्चे यू शुड रिमेंबर वंस अगेन, यू कैन रिपीट वन अल्फाबेट ओनली थ्राइस, दैट इज़ 3 टाइम्स। नाउ रोमन, रोमन में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं याद करो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को याद रखना है। आई स्टैंड्स फॉर 1, वी स्टैंड्स फॉर 5, एक्स स्टैंड्स फॉर 10, एंड एल स्टैंड्स फॉर 50, एंड सी स्टैंड्स फॉर 100। आप लोगों के लेवल के लिए अभी तक हमारे को सिर्फ ये 5 इंग्लिश लेटर्स का यूज़ करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2 और लेटर्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ डी एंड एम। डी के लिए 500 एंड एम मीन्स 1000। देर आर मोर रूल्स दैट वी विल डू टुमारो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरल्स 11 टू 20। बच्चे जब भी हम लोग रोमन न्यूमेरल्स करेंगे, सबसे पहले द ईजिएस्ट वे इज टू मेक द एक्सपेंडेड फॉर्म। और अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते हो तो हमारे को यहाँ पर आगे से शुरू करना पड़ेगा। 11, 11 कैसे बना? 10 प्लस 1, तो आप क्या लिखोगे? x फॉर 10 एंड i फॉर 1। अब 12 है तो 12 के लिए क्या लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म? 10 प्लस 2, सो x फॉर 10 एंड 2 i's फॉर 2। नॉट 10, अगर 13 आ जाता है तो अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म 10 प्लस 3, तो x फॉर 10 एंड 3 के लिए 3 i's। अगर आप यहाँ पर रेड में, मैंने आपको इसको किया हुआ है, दिस मीन्स 3 i's। नॉ 14 के लिए अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म 10 प्लस 4, अगर 4 पता है कैसे लिखना है तो यू कैन ईजिली डू। 10 के लिए तो x यूज़ करेंगे और 4 के लिए y एंड v, i v। 15 के लिए 10 प्लस 5, x फॉर 10 एंड v फॉर 5। 16 के लिए 10 प्लस 6, x फॉर 10 एंड v 1 फॉर 6। 17 के लिए 10 प्लस 7, x फॉर 10 एंड v 1 i i फॉर 7। 18 के लिए 10 प्लस 8, x v i i एंड i। रिमेंबर 8 में i 3 टाइम्स रिपीट होता है और इसके बाद दोबारा से रिपीट नहीं होगा। 19 के लिए 10 प्लस 9, इट इज़ x 1x, x इज़ फॉर 10 एंड 1x इज़ 9, 1x मीन्स ix। 20, 10 प्लस 10 इज 20, सो x एंड x टुगेदर 2x मेक्स 20। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, सो टू रिमेंबर। डियर स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर, वेन टू फ्रेंड्स, वन फ्रेंड इज x, अदर फ्रेंड इज ऑल्सो x, मीट टुगेदर, दे मेक वॉट? डबल x, दैट इज 2020। Isn't it interesting? I hope you might be clear with this now. Okay, bye for now.